हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज बात करेंगे हिंदी भाषा के उन परीक्षार्थियों के लिए जो IBPS SO की परीक्षा देना चाहते हैं किंतु अपनी योग्यता के विषय में बहुत कंफ्यूज हैं। हिंदी भाषा के परीक्षार्थियों के लिए IBPS द्वारा एक सुनहरा अवसर दिया गया है जहां राजभाषा के लिए 84 वैकेंसीज है। इस बीच कई हिंदी भाषा के परीक्षार्थियों ने हमसे योग्यता के विषय में प्रश्न पूछे और यह जानने का प्रयास किया कि क्या वे भी IBPS परीक्षा के लिए योग्य है अथवा नहीं। तो यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए है जो इस विषय में कंफ्यूज हैं कि राजभाषा परीक्षा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा है। सबसे पहले अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 20 इयर्स से 30 इयर्स तक, अर्थात 20 से 30 वर्ष तक इस परीक्षा के लिए आप योग्य हैं। दूसरा, जो एलिजिबिलिटी की बात की जाती है उसमें ये कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। इसका अर्थ है स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन या जिसे आप BA कहते हैं, ग्रेजुएशन में आपने हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों का अध्ययन किया हो, अर्थात स्नातक स्तर पर। इस बात का ध्यान रखिए कि BA या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही साथ में पढ़ी हो, अथवा स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक विषय में आपने स्नातकोत्तर डिग्री ली हो। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने हिंदी से किया हो तो भी यह मान्य है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है तो भी यह मान्य है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत सब्जेक्ट से किया है तो भी आप इस पद के लिए योग्य हैं। मुख्य जो इसकी शर्त है वह है कि आपने हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही भाषाओं को ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ हो। क्या निष्कर्ष निकला कि स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी प्लस इंग्लिश आपने दोनों सब्जेक्ट पढ़े हुए हो, साथ में PG डिग्री हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या फिर संस्कृत में हो तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। तो यह हिंदी भाषा पढ़ने वालों के लिए ही नहीं बल्कि संस्कृत भाषा भी यदि कोई पढ़ता है, किसी ने संस्कृत में अगर MA किया है संस्कृत भाषा में, तो वह भी इस परीक्षा के लिए योग्य है, बशर्ते ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का अध्ययन उन्होंने किया हो। तो ये जो योग्यता है ये IBPS द्वारा मान्य है। दूसरी जो इसके योग्यता की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन में यह लिखा है कि IT अधिकारी स्केल 1 के अलावा जो अन्य सभी पद हैं, एग्रीकल्चर के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए या राजभाषा के लिए जो अन्य जो पद है, उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर संचालन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री भी होनी चाहिए। यदि आपने IT ऑफिसर के लिए नहीं अप्लाई किया है तो आपके पास कंप्यूटर में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, अथवा यदि आपके पास यह नहीं है तो हाई स्कूल कॉलेज में एक विषय के रूप में आपने कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया हुआ हो। तो दो तरीके से इसकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। पहली, ग्रेजुएशन लेवल आपने अंग्रेजी और हिंदी भाषा से उत्तीर्ण किया हो, और मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी भाषा से उत्तीर्ण किया हो, प्लस आपके पास कंप्यूटर संचालन में कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री हो। यदि वह आपके पास नहीं है तो भी आपने हाई स्कूल या कॉलेज में यदि कंप्यूटर का अध्ययन किया है एज अ सब्जेक्ट, आप उसका सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हैं। तो यह इसकी मुख्य रूप से योग्यता है। इस विषय में बहुत से परीक्षार्थी कंफ्यूज हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राजभाषा अधिकारी की योग्यता के विषय में संदेह दूर होगा। राजभाषा परीक्षा की
अधिक तैयारी करने के लिए आई एग्जाम बी के एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, जहां पर फ्लैट 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी प्लान्स मिलेंगे और फैकल्टी के साथ आपको वन ऑन वन सेशंस करने के लिए मिलेंगे। तो देर न करते हुए जल्दी से हिंदी भाषा के परीक्षार्थी IBPS SO राजभाषा के लिए आवेदन कीजिए और परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।